अगर आप सोचते हो कि आपके पास बहुत पैसा है तो सचमुच आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा, लेकिन वहीं पर यदि आप सोचते हो कि मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा तो आप गरीब ही रह जाओगे। यही तो इस सिद्धांत का नियम है, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही नियम है। यह सुनने में तो आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि हम अपनी सोच के दम पर जो चाहे वह बन सकते हैं। भगवान बुद्ध ने भी एक बार ये बात कही थी कि हम आज जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा है इसी बात का प्रमाण है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, हम वह है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वही वास्तविक जीवन में हो जाते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि मेरा मानना है कि जीवन में कुछ भी चीज इत्तेफाक से नहीं होता, हर छोटी छोटी चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके जीवन में भी कुछ अच्छा परिवर्तन आने वाला है। आपने मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कई सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन यह वीडियो आपकी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी हो सकता है। आज मैं यहाँ पर आपका समय बर्बाद करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उन गूढ़ रहस्यों के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आपने आज तक जाने अनजाने में इस्तेमाल तो किया होगा, लेकिन शायद आप उनके बारे में नहीं जानते होंगे। जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रहस्यों के बारे में जानने की बात आती है, या जब भी आप अपने डिजायर्स के बारे में सोच रहे होते हैं, तो उस वक्त आप एक रेड पेन लेकर बैठे, यानी कि आपको एक लाल कलम लेकर बैठना है। यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि आखिर मैं लाल कलम के बारे में ही बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि लाल रंग तीव्रता और जुनून का प्रतीक है, एक ऐसा रंग जो ध्यान आकर्षित करता हो। खुद ही देखिए कि मार्केटिंग में चीजों को अलग अलग दिखाने के लिए लाल रंग का उपयोग कैसे करते हैं। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सरसाइज में संलग्न होते हैं, जिसमें राइटिंग शामिल होती है, तो आपका फोकस, अटेंशन और एनर्जी लिखित शब्दों पर केंद्रित होता है, या आपके इंटेंशंस पर प्रकाश डालने जैसा है। तो कोशिश करिए कि सब कुछ लाल रंग में ही दिखे, क्योंकि इनकी तीव्रता आपके अवचेतन मन को स्ट्राइक करती है, यानी कि इसकी इंटेंसिटी आपके सबकॉन्शियस माइंड पर स्ट्राइक करती है। और यहाँ पर तो आपको पता ही होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे भीतर एक विस्तृत ब्रह्मांड की तरह है, जिसे कभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता है। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड का 1% भी इस्तेमाल कर लिया, तो मेरी बात मानो, आपकी हर एक मनचाही इच्छा, चाहे वो पैसा हो, समृद्धि हो, धन हो या हेल्थ हो, सभी चीजें आपके अनुसार चलने लगेगी। क्योंकि आकर्षण का सिद्धांत ब्रह्मांड की वह चुंबकीय शक्ति है जो व्यक्ति के विचारों और भावों से मिश्रित होकर निकलती है। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी आकर्षण के नियम का ही एक हिस्सा है। आपके प्रत्येक विचार से एक ऊर्जा प्रवाहित होती है जो ब्रह्मांड में फैली हुई वैश्विक ऊर्जा से मिलती है। जब दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में मिलती है, तो आपका विचार आपके सामने सत्य बनकर आ जाता है। यह आकर्षण का नियम आपके जीवन में हर उस व्यक्ति, घटनाओं, परिस्थितियों और सफलता को प्रत्यक्ष करता है जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं, और आपको विश्वास भी है कि ऐसा ही होगा। जो लोग आकर्षण के नियम में विश्वास करते हैं, वे लोग अपने जीवन में अत्यधिक केंद्रित रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके एक एक विचार उनका भविष्य बना रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन आकर्षण के नियम का सिद्धांत ही यही है कि जो इसमें जितना विश्वास रखता है, यह उसके लिए उतना ही अधिक काम करता है। आकर्षण के नियम के सभी रहस्यों को जानना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपने उसमें कुछ ही % समझ लिया है, तो यह आपके सपनों को साकार करने का प्रवेश द्वार है। आपका हार्ट, यानी कि हृदय, एक पंपिंग ऑर्गन से कहीं अधिक है, यह आकर्षण का कंडक्टर है। लेकिन इससे पहले कि हम मैनिफेस्टेशन टिप्स को जानें, आइए समझते हैं कि हम हार्ट जोन में क्या कर रहे हैं। हमारा हृदय सभी अद्भुत चीजों के लिए एक चुंबक है। आपके हृदय में पूर्व ज्ञान है, भविष्य की झलक है। ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, बहुत से प्राचीन ऋषि मुनि लोग भी कहते थे कि हमारे हार्ट में भूतकाल और भविष्यकाल को देखने की क्षमता है, यानी कि आपके साथ अभी जो कुछ भी घटनाएं हो रही है, वे सभी चीजें आपके हार्ट के कैमरे में कैप्चर हो रही है। ठीक इसी तरह आपके पूर्व जन्मों में आपके साथ जो कुछ भी घटनाएं हो चुकी थी, उन सभी चीजों की वाइब्रेशंस भी आपके हार्ट में छुपी हुई है, जो समय समय पर आपके जीवन में बाहर आती है। वर्तमान में आप जैसा जी रहे हैं, इन सभी चीजों की एक ऊर्जा, एक वाइब्रेशंस आपके भीतर समाहित हो रही है, और इन्हीं वाइब्रेशंस की मदद से आप भविष्य में वैसे बनते चले जाते हैं। USA में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें वॉलंटियर्स को कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ रैंडम इमेज दिखाई गई थी। उनमें से कुछ पॉजिटिव इमेज थी, जबकि अन्य विशेष रूप से कुछ नेगेटिव इमेजेस भी थी, जो कि दिमाग को खतरे का संकेत देती थी। लेकिन यह पता चला
कि इन वॉलंटियर्स की हार्ट सकारात्मक और नकारात्मक छवियों पर एक यूनिक रूप से प्रतिक्रिया करता है। आश्चर्यजनक रूप से इमेजेज आने से कुछ सेकंड पहले ही उनके हृदय ने भविष्यवाणी करने की क्षमता प्रदर्शित की थी, इसलिए इसे पूर्व ज्ञान शब्द भी कहा गया है। यानी कि हमारा हार्ट हमारे जीवन में होने वाले घटना से पहले प्रतिक्रिया करते हुए भविष्य का पूर्वानुमान लगाता है। यही कारण है कि लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे बहुत ही गहरी अनुभूति होती है, क्योंकि हृदय आपके भीतर की आवाज को दिखाता है, उसे महसूस कराता है। यहाँ से कंक्लूजन यही निकलता है कि हृदय सिर्फ हमारे शरीर में एक अंग नहीं है, बल्कि ये एक अट्रैक्टिंग मैग्नेट भी है। इसलिए हम अपने द्वारा बनाए गए वाइब्रेशंस के माध्यम से हम चीजों को आकर्षित करते हैं। आपका हृदय, आपका हार्ट वह स्थान है जहाँ पर एक्शंस होते हैं। यह इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सिग्नल्स भी भेजता है जो आपके मस्तिष्क से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं। आप उस ऊर्जा और बल की कल्पना करें जिसे आप ब्रह्मांड में छोड़ रहे हैं। दूसरा तरीका है, अपने भीतर उतरने की कोशिश करें, यानी कि अपने हार्ट को महसूस करने की कोशिश करें, उसमें उतरने की कोशिश करें। यह सुनने में तो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन यह बिल्कुल आसान है। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांसें लें। अपना हाथ अपने दिल पर रखें और ध्यान केंद्रित करें। आपके हार्ट के पास सारे जवाब है। आपने अक्सर ऐसा महसूस किया होगा कि जब भी आप कोई काम करते हो या जब भी आप कोई काम करने जा रहे हो, तब आपका दिमाग कुछ और कहता है, लेकिन भीतर से ही उसके प्रति कुछ अलग रिएक्शंस भी आते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए। कभी आपको ये लगता है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको इस तरह के दो सिग्नल्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पर भीतर में आपका हार्ट प्रोसेसिंग कर रहा है। इसलिए जब भी आप राइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें, यानी कि जब आप एक लाल कलम लेकर बैठे, उस वक्त आपको बिल्कुल शांत हो जाना है। आपको अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है ताकि आप अपने हार्ट तक पहुंच सके, क्योंकि आपके हार्ट के पास, आपके दिल के पास सारे जवाब है। बस आपको उसे ट्यूनिंग करने की आवश्यकता है। यदि आप कुछ सेकंड्स के लिए अपने दिल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक क्षण लेते हैं, तो आप पहले से ही इसे एक्टिवेट कर चुके हैं। उस वक्त आपके दिल में जो भी विजडम आपके मौजूद है, जो भी आपकी इच्छा है, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, वह आपके दिल में जाना चाहिए, क्योंकि आपका वो हिस्सा आपके दिमाग से ज्यादा मजबूत होता है। और आपका हार्ट ही एक पावरफुल मैग्नेट होने के लिए जाना जाता है, क्योंकि वहीं से पूरे पावर का फ्लो होता है। जब आप अपने आप को बिल्कुल शांत अवस्था में ले आए हैं, तब आपको कुछ इस प्रकार से सोचना चाहिए। मान लीजिए आपको एक कार चाहिए, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे एक कार चाहिए। आपको कुछ बड़ा सोचना चाहिए कि मुझे एक बड़ा कार और बंगला चाहिए। हो सके तो आप यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कार का भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि आपका इंटेंशन जितना क्लियर होगा, आपके भीतर के सिग्नल्स उतने स्ट्रांग बनेंगे, जो कि इस ब्रह्मांड तक जाएगा। आप वहां पर यूनिवर्स को बिल्कुल वही बताने जा रहे हैं जैसा कि आप चाहते हैं। जब भी आप चीजों को मांग रहे होते हैं, उस वक्त आपके भीतर का कनेक्शन बहुत ही जरूरी होता है। उस वक्त आपको अपने आप के प्रति पूरी तालमेल और ईमानदारी बरतनी पड़ती है, ताकि कोई भी नकारात्मक विचार आपके द्वारा इस यूनिवर्स तक ना जाए। आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी सही चैनल पर जाते ही उसकी आवाज साफ साफ सुनाई देने लगती है, वैसे ही यदि हमारे विचार और भावनाओं की फ्रीक्वेंसी मिल गई हो, तो आपका वह विचार आपका जीवन बदल सकता है। इन दोनों फ्रीक्वेंसी को मिलाने के लिए आपको इन विचारों को अपने मन में दोहराते रहना चाहिए। सिर्फ विचारों को मन में दोहराने की ही नहीं, बल्कि उसे महसूस करने की भी कोशिश कीजिए कि जब वह आपका विचार सच हो जाएगा, तो उस वक्त आप कैसा महसूस करेंगे। उसके बाद आपको एक लाल रंग की कलम लेनी है और अपने सभी अफर्मेशंस को एक कॉपी या पेज में आपको लिखना है, क्योंकि जब आप लिखेंगे, तब उस वक्त आप यूनिवर्स को ये शो करते हैं कि आप उनसे कुछ मांग रहे हैं। मतलब आपका डिमांड यूनिवर्स को पता चलता है। आप जिन बातों को सच होते हुए देखना चाहते हैं, ब्रह्मांड से उसकी मांग करें। अक्सर मैं जब लोगों से पूछता हूँ कि आपको क्या चाहिए, तो उनके पास कोई सटीक उत्तर नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ लोग यही कह देते हैं कि हमें सिर्फ खुशियाँ चाहिए। लेकिन मैं ईमानदारी से कहूँ तो लोगों के ये उत्तर मुझे ही समझ में नहीं आता, तो इसे ब्रह्मांड कैसे समझेंगे कि आपको क्या चाहिए। आपको अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ही फोकस रहना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपको नई कार चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस ब्रांड की कार चाहिए, कौन से मॉडल और किस रंग की कार चाहिए। क्योंकि हमारे अवचेतन मन को तर्क वितर्क करना ही नहीं आता। हम उसे जो विचार देते हैं, वह बस ये देखता है कि हम उस चीज को कितना शिद्दत से चाहते हैं। आपके समझ से वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आपका अवचेतन मन आपके उस विचार को जीवंत करने के लिए रास्ते बनाने लगता है। तो आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले उसके सारे पहलुओं पर विचार करना होगा। आपका लक्ष्य जितना साफ होगा, उसे पूरा होने में उतने ही कम समय लगेंगे। अपने लक्ष्य को लाल पेन से कागज पर लिखे, भले ही आप उसे किसी को ना दिखाए, पर लिखे जरूर। क्योंकि कहा जाता है
कि लिखे हुए शब्दों में जान होती है, उसमें एक अलग तरह के वाइब्रेशंस और एक स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी बनती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के मगेल मैथ्यू द्वारा किए गए संशोधन से पता चला था कि जिन लोगों ने अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखा था, वे दूसरे लोगों से जिनका लक्ष्य उनके मस्तिष्क में था उनसे 33% अधिक सफल हुए थे। व्यक्तिगत रूप से मेरा अनुभव यही है कि जब आप अपने लक्ष्य को किसी डायरी में या कागज पर लिखते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन पर भी छाप छोड़ता है, और हमारा काम ही यही है कि हमारा कोई भी विचार या हमारे कोई भी गोल्स कैसे हमारे अवचेतन मन तक जल्द से जल्द पहुंच पाए, क्योंकि आपका लक्ष्य जितनी गहराई से आपके मस्तिष्क में उतरता जाएगा, आकर्षण का नियम उतना ही तेजी से आपके लिए काम करेगा। यहाँ पर लाल कलम से लिखना एक बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। मैं यहाँ पर आपको कुछ पावरफुल अफर्मेशंस दे रहा हूँ, हो सके तो आप इसे एक नोटबुक में लिख ले। आप इसी तरह के अफर्मेशंस और भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं पैसे को सकारात्मकता से आकर्षित करता हूँ, और मैं अब धन की ऊर्जा को अपने जीवन में खुले मन से स्वीकार करता हूँ। मेरे पास पैसे की समृद्धि का सही अवसर है और मैं उसे सही तरीके से पहचानता हूँ और आकर्षित करता हूँ। मैं धन की सही मानवन और सेवा के माध्यम से प्राप्त करता हूँ और इसे समाज के लाभ के लिए प्रयुक्त करने में आनंद लेता हूँ। मैं भीतर से धन की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और मैं खुद को समृद्धि के क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ता हूँ। मैं धन के साथ उत्तम सेवाएं प्रदान करता हूँ और समृद्धि के साथ समाज को सेवा करने में आनंद लेता हूँ। मैं आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ कि मेरे पास सभी आवश्यक साधन है जो मुझे आर्थिक सफलता की ओर ले जा रहे हैं। मेरे पास सभी संभावनाएं हैं और मैं उन्हें पहचानता हूँ और सीधे हृदय से उन्हें आकर्षित करता हूँ। मैं अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करता हूँ और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कठिनाइयों का सामना करता हूँ। मैं पूरी तरह सकारात्मक ऊर्जा के साथ भरा हुआ हूँ और मैं अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता हूँ। जब आप इसे लाल कलम से लिखेंगे तो इसकी ऊर्जा में और वृद्धि होगी, जिससे कि आपके भीतर की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएगा और आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा, ताकि जल्द से जल्द आपका कोई भी अफर्मेशंस आपके चेतन मन के माध्यम से आपके अवचेतन मन में जा सके और आपका अवचेतन मन इस ब्रह्मांड से कनेक्ट करके आपके जीवन में हर वो पॉसिबिलिटीज आपको ला कर देगा जिसके आप हकदार है। ब्रह्मांड का नियम है कि आप किसी भी चीज के लिए जितना कृतज्ञ रहेंगे वह आपको उतना ही ज्यादा देता जाएगा। तो आपको हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इस सृष्टि को हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहना चाहिए जो आपके पास है या जो आप चाहते हैं। ऐसा करके आप उसे आपके जीवन में और खुशियां लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपका एक कमेंट किसी का जीवन बदल दे। और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आसानी से पा सके। धन्यवाद।